एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान का नया विरोधी होगा नेपाल। पहली बार किया एशिया कप में क्वालिफाई। एशिया कप का जिक्र छिड़ते ही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका के बीच वर्चस्व की लड़ाई का जिक्र छिड़ता है। बीते कुछ सालों में इसमें अफगानिस्तान भी दिख रही थी और अब नेपाल के तौर पर नया विरोधी भी हल्ला बोलने को तैयार है। नेपाल क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है और ये इतिहास उसने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर बनाया है। बता दें कि एशिया कप 2023 के लिए 5 टीमों ने तो पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन अब उन टीमों के साथ एक नाम और भी जुड़ गया है। नेपाल टूर्नामेंट की 6th टीम होगी। इसके अलावा बाकी टीमों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। अब सवाल है कि नेपाल ने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया कैसे। क्रिकेट इतिहास में ये कमाल उसने अपने देश में खेले गए वनडे टूर्नामेंट प्रीमियर कप जीतते हुए किया। प्रीमियर कप के फाइनल में यूएई को 7 विकेट से सिर्फ हराया नहीं बल्कि मसल कर रख दिया। नेपाल ने ये मैच 117 गेंद शेष रहते जीत लिया। मुकाबले में यूएई ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन वह पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। नेपाल की कसी गेंदबाजी के आगे सिर्फ 33.1 ओवर में ही उनकी पारी का अंत हो गया। वो बस 117 रन ही स्कोर बोर्ड पर जड़ सके। नेपाल की ओर से फाइनल में संदीप लमिछाने और करण केसी ने सबसे सफल गेंदबाजी की, जिन्होंने 2-2 विकेट बांटे। अब नेपाल के सामने पूरे 300 गेंदों पर 118 रन बनाने का लक्ष्य था, पर इसे हासिल करने में उसने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और 30.3 ओवर में ही नेपाल ने ये लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। नेपाल को फाइनल में मिली इस जीत के नायक गुलशन झा बने, जिन्होंने 84 गेंदों पर नवाज 67 रन की पारी खेली। इस महाजीत के साथ नेपाल की टीम एशिया कप में प्रवेश तो कर चुकी है, लेकिन ये फिलहाल पता नहीं कि ये टूर्नामेंट होने कहां जा रहा है। मेजबान तो वैसे पाकिस्तान है, लेकिन भारत के वहां जाने की मनाही के बाद उसकी मेजबानी पर खतरा है। प्रस्ताव न्यूट्रल वेन्यू जैसे यूएई में भी कराने पर है, लेकिन सवाल है कि कहां। लेकिन इसके बीच नेपाल की क्वालिफाई करने वाली खबर टूर्नामेंट और क्रिकेट दोनों के नजरिए से बेहतर संकेत है।